गुरुवार को आपको ये गलतियां नहीं करनी है वरना जिंदगी में आपकी मुसीबत आएंगी। स्वागत है आपका वैदिक टीवी में, राधे राधे, मैं हूं मेघा। वास्तु शास्त्र में हर दिन के करने वाले काम बताए गए हैं। आमतौर पे गुरुवार को बहुत से ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने हैं। गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति को समर्पित होता है और कहते हैं कि बृहस्पति हमेशा शुभ फल देते हैं, लेकिन कोई पाप ग्रह साथ में हो तो यही गुरु अनिष्ट कर देते हैं। कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर होने पर व्यक्ति का झुकाव धार्मिक कार्यों से हट जाता है और वो शिक्षा में असफल हो जाता है। गुरु दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाते हैं। ये स्त्री वर्ग के विवाह और पुरुष की आजीविका की परेशानी को भी दूर करते हैं। गुरु धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। गुरुवार के दिन आपको क्या नहीं करना है इस बारे में वास्तु में बहुत सारी बातें बताई हैं। आज हम आपको उन्हीं में से कुछ बातें बताएंगे। पहला, इस दिन घर से कबाड़ निकालना अशुभ होता है। घर में ईशान कोण का स्वामी भी गुरु होता है। इसका संबंध सीधे सीधे घर के छोटे सदस्यों से होता है। ये कोण धर्म और शिक्षा की दिशा है, इसलिए इस दिन वजनदार कपड़े नहीं धोने हैं। हो सके तो आप कपड़े ना धोएं गुरुवार के दिन। साथ ही घर से कबाड़ भी ना निकाले, घर में पोछा लगाना जैसे ये सभी कार्य भी नहीं करने हैं। ऐसा करने से कोण का प्रभाव खत्म हो जाता है। इससे बच्चों और परिवार के सदस्यों पर परेशानी आ सकती है और धर्म कर्म से जुड़े जो भी काम है वो भी घटने लगते हैं। दूसरा, इस दिन आपको लक्ष्मी नारायण का एक साथ पूजन करना है, तभी आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। ऐसा करने वाले पति पत्नी के बीच कभी दूरियां नहीं होती, इसलिए गुरुवार के दिन पति पत्नी को एक साथ पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा धन भी बढ़ने लगता है। जन्म कुंडली में गुरु ग्रह के प्रबल होने से उन्नति के रास्ते आसानी से खुलते हैं। अगर गुरु को कमजोर करने वाले कार्य करेंगे तो हाथ से जो प्रमोशन आ रहा है ना वो भी निकल जाएगा। जन्म कुंडली का दूसरा और 11वां भाव धन का होता है। गुरु इन दोनों का ही कारक है। गुरुवार को गुरु ग्रह को कमजोर किए जाने वाले काम करने से धन की वृद्धि रुक जाती है। इसके अलावा आपको गुरुवार को सर नहीं धोना, भारी कपड़े नहीं धोने, फेशियल करना, नाखून काटना, बाल कटवाना, शेविंग करना, शरीर के बालों को साफ करना, मकड़ी के जाले साफ करना, घर के कोने कोने की सफाई करना, ये सारे काम भी आपको गुरुवार को नहीं करने हैं। अब बात कर लेते हैं कि गुरुवार को आपको काम कौन सा करना है। हर गुरुवार को शिव जी को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, इससे गुरु दोष दूर होता है। इस दिन गुरु ग्रह के लिए आप व्रत भी रख सकते हैं, पीले कपड़े पहने, साथ ही बिना नमक का खाना खाएं। भोजन में पीले रंग का पकवान जैसे बेसन के लड्डू, आम, केले, ये सब जरूर शामिल करें। गुरुवार को ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र में आप उसके उच्चारण का ध्यान रखें, गलत उच्चारण आपको बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही पीली वस्तुओं का आप चाहें तो दान भी कर सकते हैं, जैसे हल्दी, चने की दाल, आम। गुरुवार को सूर्योदय से पहले आप उठें, स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं, इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये सभी जानकारियां अब तक विभिन्न आलेखों द्वारा पहुंचाई गई है, चैनल इनकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता। वैदिक टीवी में अभी के लिए इतना ही, राधे राधे।